डीजीपी के निर्देश पर सीमावर्ती बहराइच जिले में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सार्वजनिक स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस ने सिनेमा हॉल, मॉल, रोडवेज, रेलवे स्टेशन और भीड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग की। आने जाने वाले चौपहिया, दोपहिया वाहनों और संदिग्ध लोगों की तलाशी ली गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डीजीपी के निर्देश पर सभी एसओ, इंस्पेक्टर, सीओ और एएसपी की टीम बनाकर विभिन्न इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी टीमों ने एक साथ शाम 5 बजे से 8 बजे तक चेकिंग अभियान चलाया। फिलहाल पुलिस को इस दौरान कोई संदिग्ध नहीं मिला। ये मौजूदा जो हमारे डीजीपी महोदय हैं, इनके निर्देशानुसार जो है आज सायं 5 बजे से और 8 बजे की प्रभावी चेकिंग के लिए आदेश था, जिसमें भीड़ भाड़ वाले एरिया और तिराहों चौराहों पे संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करना था। सर्राफा और जो आतंकवादी घटनाएं पठानकोट में हुई है, उस बात को लेकर के पूरा अलर्ट जो है चल रहा है पूरे देश में, और उस बात को लेकर के डीजीपी महोदय ने जो है हमारे प्रदेश में आज ये प्रभावी चेकिंग के लिए आदेश किया हुआ था, जिसमें सभी एसओज को और सभी हमारे सीओज, एडिशनल एसपी और मैं स्वयं निकल करके हमने डिगिया चौराहे पे माल वहाँ पे हमने चेक किया, बीमार्ट और चौक चौराहे पे चेक किया गया, दो पहिया और चार पहिया वाहन जिसमें संदिग्ध व्यक्ति जा रहे हैं उनकी तलाशी ली जानी है, हमने तलाशी भी लिया है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष जूही सिंह ने कहा कि बहराइच में बाल श्रम और बाल तस्करी रोकने के लिए 12 जनवरी से एक सप्ताह का अभियान चलाया जाएगा। नेपाल सीमावर्ती इलाकों से एसएसबी के साथ और जिले में श्रम विभाग और पुलिस के साथ अभियान चलाया जाएगा। आपको बताते चलें कि बहराइच बाल तस्करी की मंडी के रूप में विख्यात होता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक यहां से प्रतिवर्ष सैकड़ों बच्चों की तस्करी विभिन्न प्रांतों और विदेशों में की जाती है। एक साल में 2 दर्जन से अधिक बाल श्रमिकों को सामाजिक संस्था देहात द्वारा मुक्त कराकर बाल संरक्षण समिति के सामने पेश कर उन्हें उनके परिजनों को सौंपा गया है। उनमें नेपाल से मुक्त कराए गए 6 बच्चे शामिल हैं। बाल श्रम और तस्करी से मुक्त बच्चों को रखने के लिए न संप्रेषण गृह है और न ही उनके पुनर्वास के लिए कोई योजना। इस संबंध में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश में बाल संप्रेषण गृह का अभाव है, सरकार नए बाल संप्रेषण गृह बनवा रही है। जिन जिन जिलों के डीएम ने जगह चिन्हित करके भेज दिया है, वहां भवन निर्माण के लिए बजट अब मुक्त कर दिया गया है। जो बच्चे मुक्त कराए जाएंगे, पहले उनको एक संप्रेषण गृह में रखा जाएगा, ये लॉ है। इसके अलावा हम पहले अपने संप्रेक्षण घर जो बहुत पुराने हो चुके थे उनको कई जगह नए बन रहे हैं, सर तैयार हो जाएंगे, जहाँ नहीं है उनको बनाएंगे, पहले वहाँ रखेंगे। कमेटी बन गई है, जेजेबी और सीडब्ल्यूसी, दो कमेटियाँ हमारी डिफंक्ट हो चुकी थी, सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो गया है। एक हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार चयनित लोगों की लिस्ट जारी कर देगी, वो अपनी जिम्मेदारी यहाँ संभाल लेंगे। बाल श्रम या कोई भी बालकों के खिलाफ अगर अपराध होता है, पहले यही दोनों बोर्ड सुनेंगे, उनको संप्रेक्षण गृह भेजेंगे। संप्रेक्षण गृह के अलावा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से एनसीपीसीआर से बात हुई है। दूसरा चीज जो पुनर्वास के लिए वो लोग स्ट्रेस कर रहे हैं वो ये है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी घरों में भेजा जाए, जिसका मतलब ये है कि गोद जो बच्चे लिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ रहा है। मिर्जापुर में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से एक सब्जी व्यवसायी की मौत हो गई। चुनार थाना क्षेत्र के मगरहा गांव में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर 20 फुट गहरा गड्ढा खोदा गया है, लेकिन बैरिकेडिंग नहीं की गई, जिससे ये पता चल सके कि आगे गड्ढा है। तेज रफ्तार से जा रहा बाइक सवार गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। जब बाइक सवार युवक की मौत की खबर ग्रामीणों को लगी तो वो आक्रोशित हो गए और मिर्जापुर चुनार रोड पर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ, उस लड़के का नाम राम प्रसाद है, एक खैरा ग्राम सभा के ट्रैक्टर पर मौजा का रहने वाला था। एक सब्जियों का व्यापार करता था, दक्षिणांचल से सब्जी लाना और मंडी को दिखाना इसका व्यवसाय था। रात में आना जाना लगा रहता था। कल लास्ट फोन 8:10 पर हमारे पास उसका आया, भैया कहाँ हैं? हम कहे हम आवाज़ पर हैं। कहे आ रहे हैं? हम कहे हम शटर बंद कर दिया। कहे नहीं, आवाज़ आ रही है, कहीं लोग ना हो? कहे चुनार में है।
और उसके बाद वो 8-10 पर हमारे मोबाइल बता रहे 8-10 पर उसका फोन आया था, तो संभव तो 8-10 मिनट सुनार से आने में लगेगा। 8:20 उसका एक्सीडेंट है, लेकिन हम लोगों को सूचना सुबह 6:30-7 बजे मिली। हुआ था जिसकी सूचना आज सुबह प्राप्त हुई, और एक मोटरसाइकिल सवार जो है वहाँ पे एक पुलिया बन रही थी उसमें गिर गया, उसकी दुर्घटना से मृत्यु हो गई। इस प्रकार की घटना है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो उसको विधिक सहायता है उसके लिए जो है SGM साहब, तहसीलदार साहब भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है और नियमानुसार उनको सहायता दे दी। बुलंदशहर में दो भाइयों की उन्हीं के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। वारदात कोतवाली देहात के नई मंडी चौकी के ठीक पीछे टांडा इलाके में हुई है। यहां रहने वाले प्रेमदास के दो बेटे रिंकू और कमल को बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने मार डाला। बाइक सवार बदमाश प्रेमदास के घर में घुसे और रिंकू और कमल के ऊपर तमंचों से गोलियां चला दी। गोलीबारी में रिंकू और कमल की मौत हो गई है। वारदात के पीछे 2 साल पहले काली मेले में हुई एक युवक की हत्या का विवाद बताया जा रहा है। रिंकू इसी हत्या के आरोप में 1.5 साल से जेल में बंद था। 4-5 महीने पहले उनकी जमानत हुई थी। इलाके में तनाव के चलते पुलिस ने प्रेमदास को यहां रहने से इनकार भी किया था, लेकिन इसके बावजूद प्रेमदास दोनों पुत्रों के साथ यहीं रह रहा था। वारदात के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में तहरीर लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें शुरू कर दी हैं। अब ये क्या पता किस किसने मारी। एक तो वो था जय किशोर का लड़का है, एक सुधीर, एक बोबी और एक राजेंद्र का और एक सचिन, चार थे, क्या व्यवहार चल रहा है, व्यवहार क्या, मैं क्या पता किस उस पे मारा। वाले देहात के मंडी चौकी क्षेत्र में टांडे में आज एक सुबह डबल मर्डर घटना हुई है, और इसमें मौके पे पता लगा है कि इसमें एक हत्या 2014 में हुई थी, जिसमें जो आज का एक मृतक है वो जेल गया था, वो अभी जल्दी ही जमानत पे छूट के आया था। दूसरे पक्ष के लोगों ने आज उसके और उसके भाई की हत्या की है, और इसमें घर वालों से तहरीर ली जा रही है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के किठौर थाना इलाके में मवाना रोड पर कार सवार अज्ञात बदमाशों ने तेल व्यापारी से 10 लाख रुपए लूट लिए। साथ ही विरोध करने पर बदमाशों ने व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। किला परिषदगढ़ निवासी तेल व्यापारी अंशुलाज किठौर इलाके से व्यापारी से तगादा उठाकर अपने घर वापस लौट रहा था। मवाना रोड पर पहले से घात लगाए हथियारबंद बदमाशों ने पहले अंशुल की कार को ओवरटेक करके उसे रोक लिया, फिर करीब 4 गोलियां अंशुल के सीने में दाग दी और कार में रखे लगभग 10 लाख रुपयों की नकदी से भरे बैग को लूट कर फरार हो गए। शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोगों ने व्यापारी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अंशुल को मृत घोषित कर दिया। लूट के बाद हुई इस हत्या से अंशुल के परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। हालांकि पुलिस इस घटना को लूट के विरोध में हत्या न मानकर रंजिशन हत्या मान रही है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे PM के लिए भेज दिया है। घटना के मामले में CEO किठौर का कहना है कि कार सवार 3 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। कुछ अहम सुराग मिले हैं जिनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये शाम को किला परिषदगढ़ से जैसे बताया जा रहा है कि किठौर के लिए आए थे, और वापस जाते समय जो है इनके कार को ओवरटेक करके स्विफ्ट गाड़ी पे थे 3 लोग, और इनको जो है गोली मार दी है। इस पर हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं, अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही जो है सभी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं गहराई से, कब कैसे आए क्या हुआ। क्या लग रहा है, लूट के बाद हत्या की गई है या लूट का विरोध करने पर घटना कार्य की गई? नहीं, गाड़ी में ये अकेले थे, इनके साथ और कोई व्यक्ति नहीं था। अब वहाँ के मौके के प्रत्यक्षदर्शियों से भी बयानात लिए जा रहे हैं, छानबीन करके जो सही तथ्य आएगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। अब मेहमान खाना खा रहा था तो बाहर रोल मची के एक्सीडेंट हो गया। अब जैसे पब्लिक बाहर को भागी वहाँ, तो मैं बाहर आया, सभी आए, तो वहाँ उन्हें गाड़ी में लिटा रहे थे अंदर, इनकी सेंट्रो गाड़ी है। अब जैसे इन्हें लिटा रहे थे तो वहाँ ये कह रहे थे कोई लेके जाओ, इन्हें लेके जाओ। मन की भाई गाड़ी मेरे पे चलाने आती है, इन्हें लेकर मैं तुरंत किठौर थाने में पहुँचा। वहाँ से कर्मचारी जो हैं वे साथ बैठे मेरे, और तुरंत इन्हें आनंद में लेकर आए। अब वहाँ चेक कराते, बोले कि इनमें कुछ नहीं है। क्या लगता है तुम्हें, किस तरीके से बताएं? वहाँ जो मौजूद लोग हैं वो बता रहे हैं कि वो 3-4 आदमी थे, उन पर पिस्टन थी, इन्हें ओवरटेक में रोका गया है और इनके हत्या कर दी उनकी। मेरठ में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर आज शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। वहीं आज शिवसेना जिला प्रमुख ने मेरठ कमिश्नरी चौक पर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर
मेरठ पुलिस पर जमकर आरोप लगाए। उनकी माने तो मेरठ में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरठ पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी है और मेरठ में अब आम आदमी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मेरठ में लगातार बढ़ रही अपराधों की संख्याओं को देखते हुए आज शिवसैनिक सड़कों पर उतरे हैं और जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है और पुलिस केवल वसूली में लगी हुई है, उसे अपराध रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपराध हो जाता है तो उसका मुकदमा लिखने में दिलचस्पी नहीं है। अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आज स्थिति ये हो गई है, जो SSP आवास है वो भी सुरक्षित नहीं रह गया है। उस आवास के चारों तरफ अपराध बढ़ रहे हैं और इसी चीज इसका ताजा उदाहरण 29 दिसंबर को देखने को मिला, जब हमारे शिवसेना के प्रदेश सचिव के साथ टेम्पू चालक और उसके दो अन्य साथियों ने SSP आवास के पास लूटपाट करी और उस लूटपाट की घटना की तुरंत सूचना SSP आवास पर दी गई। गार्ड ने SSP के 100 नंबर पर डायल किया, फैंटम आई, लेकिन टेम्पू को पकड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं की गई और स्थिति ये हो गई कि कंप्लेंट कराने के बाद भी आज तक FIR दर्ज प्रशासन ने नहीं करी है। बैंकों में लूट के लगातार हो रही घटनाओं को लेकर उत्तर प्रदेश के मऊ में ADG क्राइम के आदेश पर जिले में सभी बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक मऊ के नेतृत्व में चलाए गए बैंक चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि बैंकों के आसपास घूमने वालों पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। इधर भी बैंकों में ये लूट वगैरह की वारदात कुछ ज्यादा हो रही है और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर काफी आपत्ति प्रकट किया है और ADG लाइन ऑर्डर की तरफ से ये जितने बैंक है शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में प्रॉपर जो है चेकिंग की जाए। अंदर जो सुरक्षा कर्मी लगा रहता है वो बाहर जो है अपना ज्यादा समय दे रखे ताकि ये जो इस तरह की वारदात में संलग्न व्यक्ति है उनको हतोत्साहित किया जाए और इस पर जो है नियंत्रण किया जा सके। मेरठ में कॉलेज की छात्र कॉलेज प्रशासन की तानाशाही व मनमानी को लेकर कॉलेज के गेट पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों की माने तो उन्होंने आरोप लगाया है कि लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं, साथ ही कॉलेज परिसर में गंदगी व्याप्त है। उन्होंने कहा कि कॉलेज के रखरखाव के नाम पर लिए जाने वाले पैसे को भी प्रबंधन पचा जाता है। फिलहाल भूख हड़ताल पर बैठे इन छात्रों ने मांगे पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। देखिए जी, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स की जितनी भी समस्याएं हैं किसी का भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। कम से कम हम 10 दिन से या 15 दिन से लगातार एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, प्रिंसिपल सर को विज्ञप्ति पहुंचाते जा रहे हैं, वो लेते जा रहे हैं, डस्टबिन में डालते जा रहे हैं। सबसे पहली समस्या तो हमारी ये है, लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है बच्चों के लिए पास, वाटर कूलर में पानी नहीं है किसी के पास भी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी वॉशरूम से लेके आप जितने भी गार्डन के पार्क भी ले लीजिए उसमें भी गंदगी है, कहीं सफाई के नाम की चीज़ नहीं है। झाड़ खड़े हैं पूरे कॉलेज में, मेंटेनेंस के नाम पर जितना पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है कोई भी हो रहा नहीं है। ठीक है, बजट बनता है हर कॉलेज का, जब ऑनलाइन एडमिशन होते हैं तो उस बजट को क्यों नहीं शो करते ऑनलाइन, बजट उनका ऑनलाइन शो होना चाहिए। हमने उनसे ये कहा था कि आप जितना UGC से पैसा आ रहा है जितना ग्रांट हमें शो करके दिखाइए, इतना ग्रांट आ रहा है हमसे वहाँ पे लगा रहे हैं, इस कार्य पे लगाया है, कोई इनके पास डिटेल नहीं है किसी तरह की, सारे पैसे को ये गायब कर रहे हैं। अभी तक कोई एक इन्होंने 2 साल से मेरे ख्याल से 4 साल हो चुके हैं कॉलेज में पुताई नहीं हुई है और पैसे को उसके हर चीज़ के नाम पे RO तक के नाम के इन्होंने पैसे लिए हुए हैं कि वाटर कूलर पे RO लगे हुए हैं, पर RO है नहीं, एक वाटर कूलर भी ढंग से नहीं चल रहे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ट्रैफिक पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। दबंगी ऐसी है कि आपके होश उड़ जाएंगे। पूरा मामला ये है कि स्कूली बच्चों से भरा एक मिनी टेम्पो छात्रों को लेकर प्रवेश परीक्षा दिलाने के लिए जाते समय शहर में प्रवेश कर गया। बस फिर क्या था, वहाँ मौजूद ट्रैफिक सिपाहियों ने टेम्पो चालक को पीटते हुए बाहर निकाला और उस पर बरस पड़े। टेम्पो चालक खुद को बचाने के लिए गुहार कर रहा था पर बेदर्दी ट्रैफिक सिपाहियों को जरा भी रहम नहीं आया। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंचे TSI DP सिंह ने भी पीटना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब TSI DP सिंह ने जबरदस्ती पुलिस कार की डिग्गी में ड्राइवर चालक को बंद कर रहे थे तब उसके पैर डिग्गी के दरवाजे से दब गए जिससे उसकी चीख निकल गई। फिलहाल SP ट्रैफिक ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। अभी मैंने मतलब अखबार में निकला हुआ था, मैंने उसको देखा है, मैंने TSI से बात भी किया है। उसमें उन्होंने बताया कि सर वो ओवरलोड गाड़ियाँ चल रही थी, उनको जब उन्होंने चेक किया तो वो लोग थोड़ा विरोध कर रहे थे कार्रवाई करने में, तो उन्होंने उन पर चालान की कार्रवाई किया है और सम्मानसूल की कार्रवाई किया है। तो शेष जो वीडियो क्लिपिंग में देख करके उसमें जो भी विधिगत कार्रवाई होगी या जांच की जाएगी उसका तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था की लाख दुहाई देकर भले ही खुद की पीठ थपथपा ले लेकिन वास्तविक हकीकत कुछ और ही है।
प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध पर पुलिस अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है, लेकिन अगर उगाही की बात की जाए तो पुलिस जरूर कारगर साबित हो रही है। ऐसा ही मामला सराय लखनसी थाने में देखने को मिला, जहां तैनात कमल कुमार थाने में मुंशी है, लेकिन मुंशी का काम कमल नहीं बल्कि उसकी पत्नी करती है। रिपोर्ट लगाने का काम थाने के मुंशी कमल की पत्नी करती है, वो भी 1.5 से 2 हजार रुपए की रिश्वत लेने के बाद। इस पूरी घटनाक्रम को हमारे संवाददाता द्वारा कैमरे में कैद कर लिया गया है। विजुअल में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह मुंशी की पत्नी चारपाई पर बैठकर अपने पति कमल का काम करते नजर आ रही है, वो भी रिश्वत लेकर। पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस अधीक्षक को मिली तो विभाग की बदनामी के चलते कुछ भी जवाब नहीं दे सकते। पासपोर्ट का जो वेरिफिकेशन होता है, उस वेरिफिकेशन में जो है हमको जो है सराय लखनसी का मुंशी जो है हमसे 1500 रुपये का मांग किया, कहा कि अगर 1500 रुपये नहीं दोगे तुम्हारा पासपोर्ट नहीं लिखेंगे। अगर हम कहे कि साहब हम गरीब आदमी हैं, तो कहा गरीब आदमी हो तो हमारे बारे में जाके पता कर लेना कि हम कैसे लेते हैं।